और चले सुपरफास्ट खबरों के बाद रुख कर लेते हैं कुछ और खबरों का। देश की अब तक की सबसे बड़ी नदी यात्रा के लिए गंगा विलास क्रूज वाराणसी पहुंच चुकी है। पीएम मोदी 13 जनवरी को वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर वाराणसी से असम के डिब्रूगढ़ के लिए रवाना करेंगे। गंगा विलास क्रूज पर 5-स्टार होटल वाली सारी सुविधाएं मौजूद है। ये खास रिपोर्ट देखिए हमारी। काशी को पीएम मोदी का तोहफा, दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज, देश के हुनर का दिखेगा जलवा। ख्वाबों को हकीकत में बदलने वाली दुनिया अगर देखनी है। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। तो आपके सामने एक बेहद खूबसूरत तस्वीर है। यह है दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज। लग्जरी सुविधाओं वाला ये क्रूज अब वाराणसी की शान में 4 चांद लगा रहा है। देश की अब तक की सबसे बड़ी नदी यात्रा के लिए गंगा विलास क्रूज वाराणसी पहुंच चुका है। इस दौरान ये 3200 किलोमीटर से अधिक की यात्रा का लंबा सफर तय करेगा। पीएम मोदी 13 जनवरी को वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर वाराणसी से असम के डिब्रूगढ़ के लिए इसे रवाना करेंगे। बनारस की जो एक पुरानी परंपरा रही है सहनाई, इसी सहनाई से स्वागत किया जाएगा और उसके बाद विदेशी जो मेहमान हैं वो गंगा विलास क्रूज के भीतर जाएंगे। दरअसल ये जो बिस्मिल्ला खां की सहनाई थी उसी परंपरा का एक जीवंत उदाहरण है जो आज भी जिंदा रखे हुए हैं लोग। 51 दिनों तक ये क्रूज 3200 किलोमीटर की यात्रा में स्विस नागरिकों को काशी से असम के डिब्रूगढ़ तक यात्रा कराएगा। ये सफर भारत और बांग्लादेश के 27 रिवर सिस्टम से गुजरेगा। ये यात्रा ऐतिहासिक विरासत से जुड़े 50 से अधिक जगहों पर रुकेगी जिसमें सुंदरबन डेल्टा और काजीरंगा नेशनल पार्क भी शामिल है। 18 सूट वाले इस क्रूज में वो सारी लग्जरियस सुख सुविधाएं हैं जो किसी 5-स्टार होटल में मौजूद रहती हैं। गंगा विलास क्रूज की लंबाई 62.5 मीटर और चौड़ाई 12.8 मीटर है। इसमें पर्यटकों के रहने के लिए कुल 18 सूट्स हैं। साथ में एक 40-सीटर रेस्टोरेंट, स्पा रूम और 3 संडेक हैं। गंगा विलास क्रूज में ओपन स्पेस बालकनी, शानदार डाइनिंग रूम और स्टडी रूम भी है। क्रूज में म्यूजिक की व्यवस्था भी की गई है। इसके फीचर्स की बात करें तो इसमें स्पा सेंटर, जिम और मेडिटेशन सेंटर के अलावा ऐसी कैफेटेरिया भी बनाई गई है जिसमें किसी भी तरह से सैलानियों को थकावट ना महसूस हो और अगर उन्हें कभी भी बोर हो जाए वो तो ऊपर जाकर छत की तरफ एक ओपन रेस्टोरेंट टाइप एरिया भी दिया गया है जहां से वो न सिर्फ भगवान सूर्य के दर्शन करें बल्कि वहां पर रहकर भी खुद को रिलैक्स फील कर सकते हैं। यानी हर वो सुख सुविधा इस क्रूज में मुहैया कराई गई है जिससे विदेशी सैलानियों को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा न हो। और अगर इसके वेस्टेज की बात करें तो वेस्टेज को भी पूरी तरह रिसाइकल करने और उसे उसके बाद उसको यूज करने को लेकर भी तकनीक इजाद की गई है। यानी पूरी तरह से मेड इन इंडिया बना हुआ यह क्रूज लोगों के आकर्षण का जहां एक तरफ केंद्र बना हुआ है वहीं बनारस के पर्यटन में भी 4 चांद लगाने का काम करेगा। गंगा विलास क्रूज की छत को भी बेहद खूबसूरत तरीके से डिजाइन किया गया है। सैलानी यहां योग और एक्सरसाइज कर सकते हैं, साथ ही इसमें जिम भी बनाया गया है। क्रूज के सूट में बने बेडरूम से गंगा और किनारे का आनंद लिया जा सकता है। पर्यटक बेडरूम में बैठे बैठे गंगा के सभी 84 तीर्थ घाटों का दर्शन कर सकते हैं। ये सब चीजें जो है देखे हैं, किस तरह के कमरे हैं, क्या कमरों का साइज है, हैंडमेड चीजें देखिए, कारपेट देख रहे हैं, ये आपके भदोही का कारपेट है नीचे। अच्छा, मतलब इस तरह से देसी चीजों का इस्तेमाल। हाँ। और रेस्टोरेंट की बात करें, स्पा सेंटर की बात करें, जिम की बात करें तो वो किस कदर है? वो भी इसी तरीके से, वो वहाँ नहीं दिख रहा आपको बट इसी तरीके से है, उसमें भी सब चीज लोकल है, इंडियन है। गंगा विलास क्रूज का संचालन रिवर क्रूज सर्विस के जरिए किया जाएगा। क्रूज को अगले 2 साल के लिए स्विस पर्यटकों ने बुक किया है। अलग अलग ट्रेवल स्लॉट के लिए किराया अलग अलग है।
गंगा विलास क्रूज के जरिए देश के हस्तशिल्प कारीगरों के प्रोडक्ट को एक नया बाजार देने की भी तैयारी है। जाहिर है बदलते काशी को पीएम मोदी एक और सौगात देने की तैयारी में है। शिवम मिश्रा, वाराणसी, जी मीडिया। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।